हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, चमकदार बनाएगी, खूबसूरत बनाएगी, रिकली स्किन जिसकी हो जाती है उनको टाइट करेगा, ब्राइटनेस बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, सिल्की बनाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं आपके लिए कैसे फेशियल लेके आई, अच्छा फेशियल बनाऊंगी जिससे एक बार में रिजल्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले इसमें लिया है लौकी, जो आजकल लौकी तो बहुत सीजन बहुत है। लौकी में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे स्किन को बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है। लौकी को मैंने अच्छे धो लिया था, उसको मैंने छिलके निकाले थे। इन छिलकों का फेशियल बना के दिखाऊँगी आज मैं आपको, ठीक है। उसमें डालूँगी मैं एलोवेरा जेल, आप कोई से भी डाल सकते हैं। आप घर का है तो घर का डालना, नहीं है तो आप मार्केट का भी मिला सकते हैं इसमें। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चंदन पाउडर, ठीक है। ये आपको कहीं से मिल जाता है चंदन पाउडर, ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर अब इनको अच्छे से धो लिया था, कर लिया था, फिर इसको अच्छे से मैं मिक्स में इनका पेस्ट बनाऊँगी अच्छे से, ठीक है। इसको और इसमें डाल के दोनों चीज़ का अच्छे से पेस्ट बनाऊँगी। पेस्ट बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पीस लिया, अच्छे से पेस्ट बन गया है इसका। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम स्क्रब करेंगे अपने फेस। मैंने लौकी का पेस्ट लिया है, इससे मैं थोड़ा सा, देखिए सबसे पहले हम स्क्रब करेंगे, तब बहुत हमारे स्क्रब करने के लिए, ठीक है। इसमें हमें डालना है चावल का आटा, देखिए थोड़ा सा क्वांटिटी के हिसाब से डालें अपने आप, देखिए इतना बहुत होगा। हम सबसे पहले इसका स्क्रब करेंगे, इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अगर अच्छे से मिक्स ना हो तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दें, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे स्क्रब करना है। मैं अपने हाथ पर ट्राई करके बताती हूँ, आप अपने फेस पर करें, ठीक है। देखिए इसको लेंगे ऐसे, इसको लेंगे ऐसे और अपने हाथ पे ऐसे एक दो मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे। देखिएगा इससे आपको एक ही बार में इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और इसे वीक में दो बार ज़रूर करें। देखिएगा अच्छे से, इससे मैंने ये लोगे हमारी स्किन को टाइट बनाती है, ब्राइट बनाती है, स्किन को टाइट करती है, चमकदार बनाती है और ग्लोइंग बनाती है। इसमें एलोवेरा जो हमारी स्किन को दाग धब्बे हटाता है, टैन हटाता है, पिंपल के दाग धब्बे हटाता है, और स्क्रब वो चावल का आटा जो हमारी त्वचा में निखार लाता है। इससे स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है, हम अपनी स्किन पर स्क्रब ज़रूर करें। स्क्रब करने के बाद ये ऐसे झड़ जाएगा, इसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के ऊपर मैं सेकंड स्टेप करके बताती हूँ कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने खाली बॉल लिया है, इस बॉल में हम डालेंगे लौकी के छिलकों जो पेस्ट बनाया था हमने, उसको हम लेंगे। अपने क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिएगा मैं अभी थोड़ा ही बना रहा हूँ, मैं क्वांटिटी के हिसाब से, ये देखिए मैंने इसे लिया है। उसके बाद मैं इसमें लूँगी चंदन पाउडर, आपको कहीं से भी चंदन पाउडर मिल जाएगा, चंदन पाउडर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच चंदन पाउडर, हमारी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाता है बहुत, एक ही बार में इसका रिजल्ट अच्छा होता है। देखिएगा मैंने ये वाला लिया है, आप चाहे तो कोई से ब्रांड का ले सकते हैं, कहीं से भी मिल सकता है आपको, उसके कहीं से भी मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सूखा हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करेंगे,
वो पतंजलि का है, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ही, देखिए मैंने इसमें डाल लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इस पेस्ट को कैसे ट्राई करके मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। ऐसा सा पेस्ट बनाएंगे अच्छा गीला गीला सा, कि हमारी स्किन पे चिपक सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा मैं लगा के बता रही हूँ। इसे हमको ऐसे लेना है, इसे अच्छे से अपने फेस पे 2-3 मिनट तक मसाज करनी है अच्छे से। देखिए छोटे छोटे बारीक बारीक से आ रही हैं, ये पीसे नहीं है ढंग से। इसे अच्छे से पीस लें, इसे पानी ना डालें, ऐसे पीस लें। ये देखिए मैं इसे अच्छे से 2 मिनट तक इसे मसाज करूँगी और देखिएगा एक ही बार में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐसे हफ्ते में 2 वीक जरूर करें, हफ्ते में 2 बार जरूर करें इसे अच्छे से आप अपने फेस पे, हाथ पे भी ट्राई कर सकते हैं आप अपने। रात तक भी हटाएगा, किसकी पर ग्लोइंग बनाएगा, चमकदार बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, सिल्की बनाएगा, लाइन हो जाती है, वन लाइन हो जाती है, उनको दूर करेगा, सबको दूर करेगा और ब्राइटनेस बनाएगा आपके। देखिएगा जो उसकी स्किन ढीली हो जाती है, उस उम्र से पहले ढल जाती है, उनको भी टाइट करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से कर लिया इस पर, अब देखिएगा ये सूख गया। इसमें एग्जब कर लिया है मैंने, एग्जब करने के बाद फिर हमें ऐसा मोटा मोटा लेना है और अपने फेस पे लगा के रखना है। ऐसे देखिए ऐसे लगा के जब तक ये सूख ना जाए तब तक अपने फेस पे ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। इसे छोड़ने के बाद जब ये सूख जाएगा फिर इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। देखिए ऑयली स्किन भी लगा सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं। देखिएगा इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, मोटा मोटा लगा के ना फेस पे अच्छे से चिपक जाए, जैसे कि अच्छे से ही। देखिएगा जब ये सूख जाएगा, देखिए मैं सूख के सुखा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा फ्रेंड मैंने अच्छे से सुखा लिया इसे, देखिएगा ऐसे ऐसा रिजल्ट, अच्छे से सुखा लिया मैंने। सुखाने के बाद देखिएगा ऐसे ऐसा लगेगा आपको। इसको लगाने के बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे अपने हाथ को, मैं इसे साफ कर दूँ, आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। देखिएगा आया ना एक बार में रिजल्ट कितना अच्छा, देखिएगा देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया एक ही बार में। आपको ट्राई करेंगे पता चल जाएगा, आपको ही देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं इस पर फिर इसके बाद इस पर लगाएंगे एलोवेरा जेल। आपको एलोवेरा से सूट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको मैं कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या कोई से भी ऑयल लगा सकते हैं जो आपको सूट हो। ये देखिएगा देखिएगा इसको पैसे लगाएंगे अच्छे से मसाज करेंगे इसकी। देखिएगा देखिएगा मैंने इसकी अच्छे से मसाज कर ली है, इसको लगा के सूखने का सूखने देंगे इसे थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद अपने फेस पे 24 घंटे तक अपने फेस को वॉश ना करें, पानी से वॉश कर लें, फेस वॉश बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।